आज की रात सदी का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण लगने वाला है। इस चंद्र ग्रहण को गुरु पूर्णिमा के साथ खंड ग्रास होने के कारण काफ़ी खास माना गया। इस चंद्र ग्रहण से कई सारे योग बन रहे हैं जो कि कुछ लोगों के लिए तो काफ़ी अच्छे माने जा रहे हैं, वहीं कुछ लोगों के लिए इस ग्रहण के प्रभाव बिल्कुल ही विपरीत देखने को मिले। ग्रहण का प्रभाव राशि पर पड़ना स्वाभाविक माना जाता है। आइए जानते हैं कि किन राशियों पर ग्रहण का अच्छा असर देखने को मिल सकता है। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए ये चंद्र ग्रहण शुभ योग बना रहा है। इन लोगों को व्यापार में भारी मुनाफा मिल सकता है। राजनीति से जुड़े हुए लोगों को महत्वपूर्ण उपलब्धि मिलने के योग बन रहे हैं। व्यावसायिक तौर पर आपका समय बेहद ही उत्तम रहेगा, साथ ही नौकरी पेशा लोगों के लिए भी तरक्की होने की संभावना बन रही है। लड़कों को ससुराल पक्ष से अचानक धन लाभ होने के आसार हैं। संतान सुख की प्राप्ति होगी। विद्यार्थियों के लिए भी समय उत्तम रहेगा। अपनी सूझबूझ से आप कार्य क्षेत्र की परिस्थितियों को समझने की कोशिश करेंगे। ये उपाय सिंह राशि वालों को फल देगा। व्यापारिक क्षेत्र में कोई बड़ा लाभ मिलने का योग बन रहा है। आपको अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति प्राप्त होगी। स्थायी संपत्ति में वृद्धि होने की भी संभावना बनी। आप अपने क्षत्रियों पर जीत हासिल करेंगे। आपको अपने पार्टनर्स का भी पूरा सहयोग मिलेगा। आप किसी धार्मिक समारोह में भाग ले सकते हैं। माता पिता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। घर में कोई मेहमान आ सकते हैं जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। आर्थिक मामले में प्रगति होगी। जो लोग व्यवसाय से जुड़े हैं उनको इस समय अपने क्षेत्र में धन लाभ होने के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। मकर और तुला राशि वाले के लोगों के लिए कई फायदे हैं और कई अवसर उनके हाथ लगेंगे। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अपने कार्य क्षेत्र में दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करेंगे। चंद्र ग्रहण का कुछ राशियों पर बुरा असर भी होगा। मेष राशि वाले जातकों को इस चंद्र ग्रहण पर तनाव के बाद लाभ मिलेगा एवं नए ग्रह या वाहन की रूपरेखा बनेगी। मान प्रतिष्ठा को लेकर भी उन्हें कुछ न कुछ परेशानी आ सकती है, तो सब किया धरा मिट्टी में मिल जाएगा। आपकी मीठी वाणी सम्मान का कारक बनेगी। वहीं कन्या राशि वाले लोगों के लिए इस चंद्र ग्रहण में स्वास्थ्य संबंधित समस्या हो सकती है। ग्रहण के योग बन रहे हैं। इन लोगों को मानसिक तनाव में वृद्धि संभव है। अंतर्मन बेचैन हो सकता है। भ्रम व अनिर्णय की स्थिति से परेशानी हो सकती है। किसी की बात को लेकर ठेस पहुंच सकती है। जीवन साथी के साथ अनावश्यक कहासुनी से मन परेशान हो सकता है। आपको अपने मन पर काबू रखना होगा। इस ग्रहण के फल धनुराशि वालों के लिए अनुकूल नहीं है। इस दौरान आपका खर्च बढ़ेगा। धोखे की परिस्थितियाँ भी बन सकती हैं। कानूनी उलझन तनाव का सबब बन सकती हैं। जीवन साथी से उलझन और संतान की चिंता मन को उदास कर सकती है। आपको अपने खर्च पर काबू करना होगा। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।